हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आपको बताया था कि कबाड़ सारा हम लोग हटा देते हैं, तो अब वही काम चल रहा है। अभी नहीं हटाएंगे, 4-5 दिन बाद हटाएंगे। तो जो या प्लास्टिक का जो उनका कबाड़ का सामान है और जो इकट्ठा हो गया, वो हटा रही है, पूछ रही है कि ये हटा दें ये हटा दें। हटाने का मन कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी पूछ लेती है। तो उनके पापा वैसे भी इनकी सारी रैक खाली कर चुके हैं, दोनों बच्चों की कबाड़ की, और हनी बनी बाहर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ जोया कबाड़ हटा रही है, वहां जोया के पापा कबाड़ हटा रहे हैं। तो सब इकट्ठा करके रख देंगे, और जो कबाड़ वाले भैया है वो आके ले जाएंगे। अभी नहीं ले जाएंगे, वो 5-6 दिन कह रहे लगेंगे तब ले जाएंगे। अरे सब निकाल के आप रख दो, तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक ही दिन में सब नहीं करेंगे। और यहाँ हैदर बना रहे हैं ड्रॉइंग, और बना रहा हैदर जो है कि फनी फनी ड्रॉइंग। जोया गुस्सा हो जाती है, इतनी फनी फनी उसकी ड्राइंग बनाएगा। जोया खड़ो कहेगा, जोया बैठो, और दिखता कुछ और है, कुछ और बना देता है। बहुत ही फनी ड्राइंग बनाता है जोया की। जोया उसको बस ऐसे जोया के फनी वीडियोस बना देगा, और फिर खूब हंसेगा खूब हंसेगा। जोया को गुस्सा आता है, दिन भर जोया के साथ शरारत करता है, जोया को परेशान करता है। बोतल गिर गई थी, जोया डर गई। और ये अभी बनाई है, इसके अलावा जोया की फनी ड्राइंग बनाई है, वो भी आपको अभी दिखाएगा। तो देखिए, ये जोया की फनी ड्राइंग बनाई है, ये देखिए कितनी फनी बनाई है। जोया को 1 घंटा बैठाया और बिठाकर ये बनाया है। जोया का मूड खराब, क्या करता है। तो ऐसे जोया को परेशान करता है, दिन भर जोया को परेशान करता है। देखिए कितनी फनी बनाई है। गाइस, बैठे बिठाए परेशानी आ गई। हम लोग सब मजाक मस्ती कर रहे थे, और एकदम लाइट चली गई। और लाइट चली गई तो किचन में आ रही बहुत ज्यादा महक, जैसे कुछ जल गया। तो हम लोग वही देख रहे हैं कहाँ से बदबू आ रही। फिर जोया पापा को बुलाया, वो भी गए देख के। तो पता चला कि इन्वर्टर से बदबू आ रही है, इन्वर्टर की सारी लाइट तो जल रही है। तो अब बुलाया इन्वर्टर वाले भैया को, वो बताएंगे कि क्या खराबी हो गई अचानक इन्वर्टर में। तो बैठे बिठाए मुसीबत आ गई है, एक तो लाइट इतनी परेशान कर रही है, और बिना इन्वर्टर के तो फिर मस्त पूछिए क्या हाल होने वाला है। तो अभी जो इन्वर्टर वाले भैया आने वाले हैं, वो 20 मिनट का टाइम होने जाएगा, 20 मिनट बाद वो आएंगे। और भैया को हमने कॉल कर दी थी, भैया ने बुलाया है, और जब आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया इन्वर्टर में जो उसमें से बदबू आ रही है। इतनी खतरनाक बदबू आ रही थी, मतलब पूरी किचन में मतलब भर गई एकदम। भैया ने कॉल कर दी है, वो किसी भी टाइम आ रहे होंगे। और ये केक का डिब्बा है, और जैसा कि आपको मालूम है सब कबाड़ में चला जाएगा। और इतने खूबसूरत खूबसूरत डिब्बे हैं कि मतलब गोल्डन कलर से लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत डिब्बे आ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो कहते हैं फेंको इन्हें, और मैं देखती ही रहती हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। मतलब फेंकने के लिए इतने खूबसूरत खूबसूरत डिब्बे आते हैं, और कलर भी बहुत अच्छा है डिब्बे का। और इसका जो बैग था वो भी इसी में का था, वो भी बहुत अच्छा बैग। तो मैंने संभाल के अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख दिया। जो है पापा को पता भी नहीं है, वो सुन लेते तो गुस्सा करते कि फेंको उसे। मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ कि वो बैग काम आएगा, मैं ये मुझे खूबसूरत बहुत लग रहा है। ग्रीटिंग जैसे नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं, गोल्डन कलर से लिखा हुआ है, जिस तरीके से लिखा है कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, बच्चा राम के डिब्बे। हैदर अभी खेलते रहते, इसे ना फोल्ड करके रख देते, फिर हैदर इसको ओपन करेंगे, फिर इसका डिब्बा बना देंगे, फिर खेलेंगे। तो जब तक खेल रहे हैं तो खेले। जब तक इन्वर्टर वाले भैया नहीं आ रहे, तब तक तो हम लोग ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं।
है पापा बाहर काम कर रहे, क्या करें वो तो भी परेशान हो गए कि एकदम अचानक ऐसा क्या हो गया, और लाइट जो परेशान कर रही है तो रात में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर इन्वर्टर खराब हो गया, और फिर इतनी बदबू एकदम खराब कैसे हो गया। कभी वो इन्वर्टर में फ्यूज तक नहीं उड़ा, कभी उसमें आंच नहीं आई, एकदम इतनी बदबू एकदम कैसे आने लगी उसमें। तो चार्जिंग मैंने बंद कर दी है, अब जब वो आएंगे तभी वो देखेंगे कि क्या गड़बड़ है इसमें, हैदर ड्राइंग बना रहे हैं जो, या अपना सामान समेट रही है जो फालतू सामान है कबाड़ का वो निकाल रही है, और जो है पापा भी वहां जाल में सारा सामान रख रहे हैं एक सा। 4-5 दिन बहुत ज्यादा जो है पापा के ऊपर वजन पड़ने वाला है, क्योंकि सारा सामान वो एक सा रख देंगे और जो कबाड़ वाले भैया आएंगे वो ले जाएंगे। दरअसल जिनको हम लोग कबाड़ दे रहे हैं तो वो अब कबाड़ का काम नहीं करते हैं, तो हम लोगों के विश्वसनीय है, और यहाँ से उनको बहुत सारा कबाड़ मिल जाता है, तो इस वजह से वो यहाँ पर आ जाते हैं, काम नहीं करते हैं, और इसलिए वो आ जाते हैं और ले जाते हैं। तो अब उनका अगर अब काम होता होता तो फिर वो ही सब सामान देख के ले जाते हैं, उन्होंने कहा था कि आप रख देना बस एक बार हम देखेंगे और ले जाएंगे, बस वही काम हो रहा है। काम तो अच्छे खासा हो रहा था, बीच में एक बैठे बैठाए एक मुसीबत यही आ गई कि इन्वर्टर चार्जिंग नहीं ले रहा है और सारी बत्ती जल रही है और बदबू बहुत आई है उसमें, ये खराब ना हो गया हो। तो फाइनली इन्वर्टर वाले भैया आ गए हैं और वो चेक कर रहे हैं, वो बताएंगे कि क्या खराबी हुई है, क्यों इतनी बदबू आई, पूरे किचन में बदबू उसकी जलान की भर गई है। तो वही वो चेक कर रहे हैं और मैं तो यहाँ हूँ, और हैदर बताएगा कि क्या बोल रहे हैं, हैदर सुन रहे हैं क्या खराबी है। फाइनली पता चल ही गया है क्या हैदर अभी आए तो मुझे बता गए कि अब ये इन्वर्टर सही नहीं हो पाएगा, अब दूसरा इन्वर्टर आएगा, क्योंकि इस इन्वर्टर की जो चीज खराब हुई है अब उसका पार्ट नहीं मिलता है। तो फाइनली देखिए दूसरा इन्वर्टर आ गया है, जो पापा ने हाल क्या लगवा लिया है, और देखिए जबरदस्ती बैठे बैठाए मुसीबत आ गई थी, लेकिन गर्मी इतनी है लाइट आती ही नहीं है ढंग से, तो उनको कोई ऑप्शन ही नहीं था दूसरा इन्वर्टर लगवाने के अलावा, तो लगवाना पड़ा। ये उससे छोटा है और काफी अच्छा है और उससे ज्यादा पावर का है, तो काफी अच्छा है और कॉस्टली भी है। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हैं, जो है पापा भी बहुत खुश हैं ये इन्वर्टर देख देख के, लेकिन मेरा मूड खराब हो रहा है कि जबरदस्ती में इन्वर्टर में एकदम कोई खराबी नहीं, एकदम ऐसी खराबी आ गई कि बदलना ही पड़ा, थोड़ी बहुत खराबी आ जाती सही करा देते। तो हम लोग वही मिडिल क्लास हैं, सब सोचना पड़ता है उसके बाद ऐसे खर्चे कर पाते हैं, तो जबरदस्ती आ गया। लेकिन जो है पापा बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, फिर मुझे भी समझाते हैं कि एक चीज खराब होना थी, इतना टाइम हो गया तो हो गई, इतनी चल गई बहुत है, तो बहुत ज्यादा संभाल लेते हैं। लेकिन मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था जब मैंने सुना कि अब इन्वर्टर दूसरा आएगा, सोचा ही नहीं था कि एकदम खराब हो जाएगा और एकदम दूसरा इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो फाइनली आ गया इन्वर्टर, और जो भैया चेक करने आए थे वो वही लगा रहे, उन्हीं क्या मिलता है, तो वो आए और हाल के हाल उन्होंने फिट कर दिया, तो लग गया। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं देख के, अच्छा है। लाइट बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बिना इन्वर्टर के तो हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि लाइट अब ऐसी रहती नहीं है कि बिना इन्वर्टर के रह लें। तो हैदर इसके फंक्शन समझ रहे हैं, इनकी जो लाइट जल रही है उसमें लिखा हुआ है तो वो समझ रहे हैं, और मुझे बता रहे हैं कि इसमें कौन सी लाइट क्या कर रही है, क्या बता रही है। तो पुराने में अलग लाइट थी, खुद भी समझ रहे हैं और मुझे भी समझा रहे हैं, लेकिन मुझे समझने की आवश्यकता नहीं है, मैंने देख लिया है क्या कैसे है। तो अब वो समझाते हैं, छोटे से बच्चे हैं तो मुझे सुनना पड़ती है उनकी बात, वो क्या कह रहे हैं। यहाँ मैं अपना काम भी कर रही हूँ, क्योंकि लाइट यही कर रही है, आ रही है जा रही है, लाइट तो वही है, लाइट तो वैसे परेशान कर रही है।
बच्चों को लगी भूख तो बच्चे खा रहे हैं खाना। आज वैसे ही लेट हो गई हूँ, पहले लेट गई थी, तबीयत सही नहीं है सुबह से बहुत ज्यादा जी बुरा बुरा सा फील हो रहा है, अच्छा फील भी नहीं हो रहा है। ऊपर से फिर इन्वर्टर हो गया, इसके बाद फिर फिटिंग विटिंग हुई, तो यहाँ हमारे किचन में चप्पल पहन के नहीं आया जाता है, तो बिजली का काम था तो चप्पल पहन के आए सब लोग, फिर पोछा वोछा लगाया तो बहुत ज्यादा काम बढ़ गया था। नहीं तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे किचन में चप्पल पहन के नहीं आया जाता है, अलाउड ही नहीं है, साफ सुथरा पड़ा रहता है। लेकिन अब तब चप्पल पहन के आ गए थे, तो फिर अच्छी तरीके से फिर मैंने उसमें डेटॉल डाला, डेटॉल डाल के फिर पोंछा लगाया, क्योंकि बिजली काम है, मौसम ऐसे ही हो रहा है, बारिश भी हो रही है, तो करंट का तो डर रहता ही है। तो मैंने सोचा पहले पानी भर लिया जाए, पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी लाइट को धोखा दे देती है। इससे अच्छा पीने का पानी भर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में कपड़े धो लो, ये दो काम हो जाए फिर मुझे टेंशन नहीं रहती है, फिर कुछ भी हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टंकी इतनी भरी रहती है कि बर्तन वर्तन आसानी से धुल जाते हैं, तो मेन रहता है पानी पीने का और कपड़े का, तो दोनों काम हो जाए बस फिर मैं फ्री। भूया के पापा निकल गए हैं बाहर, और अभी उनको खाना नहीं दिया है मैंने, वो आएंगे तो उनको गरम गरम रोटी घी लगा के दूंगी, क्योंकि लेट तो हो ही गई हूँ, नहीं तो अभी तक तो रोटी बन जाती, तो आप सोचेंगे कि जब वो आ जाए तो गरम गरम घी से रोटी लगाती है उनको, रोटी में घी लगा के मैं उनको दूंगी और वो खा भी लेंगे। ऐसे दाल रुकी रुकी सी लगती है बिना घी रोटी लगी, तो वो घी लगी रोटी ज्यादा अच्छी लगती है। जब तक मैं ये सब करूंगी वो आ जाएंगे, क्योंकि आज मैं हो गई काफी लेट, इतनी मतलब लेट नहीं हुई लेकिन रोटी बनाने में काफी लेट हो गई। रोटी मैं जल्दी बना लेती हूँ और जल्दी खिला भी देती हूँ, और जब वो नहीं खाते हैं तो उनकी बनाकर रख देती हूँ, लेकिन आज अभी नहीं बनाई क्योंकि अभी इन लोगों ने चावल खाए हैं, और मैं पता नहीं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, मेरा कुछ मुझे खुद पता नहीं है, क्योंकि मुझे आजकल इतनी दिक्कत चल रही है, तो बच्चों ने खा लिया है, अब जो है पापा रह गए हैं, तो उन्हीं के लिए जिंदगी की दो तीन रोटी डालना पड़ेंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। पानी पीने का भर ही गया है, तो टेंशन फ्री हो गई मैं पीने के पानी से। यहाँ पर पी जा रही है चाय, हो गया है चाय का टाइम, तो सारा काम हो गया है और अब हम चाय का आनंद ले रहे हैं, और बाहर हो रही है बारिश और लाइट नहीं आ रही है। अच्छा हुआ मैंने सारा पानी वाला काम कर लिया था, नहीं तो मेरे साथ तो बहुत बड़ा गोला हो जाता, मेरी भाषा में है कि गोला हो जाता। तो गाइज आज बैठे बिठाए मुसीबत आ गई, इन्वर्टर लग गया, और अच्छा खासा था, कोई हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन्वर्टर एकदम अचानक खराब हो जाएगा। क्या हो गया? झिंगूर अब बरसात होगी तो झिंगुर तो आएंगे बेटा, और इतने आएंगे कि हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो गाइज बारिश हो गई है, आप बाहर देख सकते हैं, और मौसम बहुत ज्यादा अच्छा, अभी गर्मी लगने लगी एकदम, लेकिन मौसम काफी अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था। बाबू हम लोगों ने चाय पी ली, आपने देखा कि हम लोगों ने अभी चाय पी है, और लाइट का तो यहाँ बस मत पूछिए, जरा सा पानी गिरा नहीं तो दो दो घंटे को लाइट चली जाती है। तो मैंने तो चाय बना ली थी, चाय पी ली थी, ज्यादा नहीं मिला मैं बाबू, कितना बड़ा हो गया। तो मैंने चाय पी ली थी और बच्चों ने पी ली, जो है पापा बाहर से ले गए। मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, बाहर ठंडा हुआ क्यों, जो है बाहर ठंडा हुआ तो बाहर काफी ठंडा है, अब अंदर जब लाइट नहीं आ रही तो गर्मी तो लगेगी। और आज सुबह से मेरी हालत तो कुछ ऐसी थी बुरी सी, तो मन नहीं हो रहा था आज किसी से बात आत करने का। अभी जो है पापा ने मेडिसिन दी है तो अब थोड़ा सा आराम लगा है, लेकिन जब मैं सुबह उठी थी आज मैं सुबह जल्दी, तो तभी से मेरी अजीब सी तबीयत हो रही थी, बहुत ज्यादा अजीब हो रही थी, और हैदर बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा था।
अभी तो मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बुरा सा, मतलब तबीयत तो अलग बात है, अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, घबराहट अलग हो रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं लेटी थी, पड़ी थी, पता नहीं कब तक सोती रही, कितने बजे सोई थी मैं आज दोपहर में, काफी देर सोई लग रहा, मैं सो गई थी। फिर शाम को मैं 5 बजे करीब उठी हूँ, उसके बाद देखा तो जो है पापा आपको बताया था कबाड़ जैसे कि हटाना है, तो वो सब सारा सामान एक से रख रहे थे कबाड़ का, कबाड़ वाले आएंगे अब देखो कब आते, 5-6 दिन में। तो जब तक सामान पापा कह रहे थे रखे बाबू का खिलाओ, वो काम कर रहे थे, एकदम लाइट ब्लिंक हुई, लाइट ब्लिंक हुई तो हैदर ने देखा, हैदर फौरन उस सब पे ध्यान देते हैं, एकदम किचन में बहुत ज्यादा बदबू आई, तो हम लोग समझ ही नहीं पाए कि इन्वर्टर गड़बड़ हुआ है। उसके बाद जब देखा तो इन्वर्टर गड़बड़ और सही नहीं हो सकता था, तो बैठे बैठाए जबरदस्ती का खर्चा आ गया। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों को एकदम खर्चा आ जाता है तो तकलीफ हो जाती है, तो अब आ गया तो आ गया, तो क्या कर रहे हैं, तो ये लोग गाना गाते रहते दिन में, पापा वाला पापा पापा और पापा 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 और कौन सा जाने कौन कौन सा, दिन भर मतलब ये, तो ये वाला गाना पापा मम्मा का सुना दे रही, तो पापा का ही मैं दिन भर सुनती रहती हूँ, उनका दिन भर पापा का गाना रहता है। तो मेरी तबीयत तो गड़बड़ की वजह से जो पापा बाहर भी नहीं जा रहे थे लेकिन चले गए, और बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा होगा उनको क्योंकि वो बाहर चले गए हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, ईद का तीसरा दिन है, आप सोच रहे हैं हम लोग खूब नॉनवेज बना बना के खा रहे हैं, नहीं आज मैंने दाल चावल बनाए थे साथ में लेकिन कबाब बनाए थे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ और ना मैं ऐसा मतलब सोचे हुए हूँ, बिल्कुल वेज खाना बन रहा है बढ़िया सा, और दाल चावल बनाए थे आराम से हम लोगों ने खाए हैं। और इसके अलावा मैं जाने क्या कह रही थी भूल गई, मुझे मेरी जो दिक्कत है तो मैं मसाले बहुत ज्यादा कम खा रही हूँ, तो मैंने तो बिल्कुल दाल चावल ही खाए थे और कुछ नहीं खाया, और शाम को तो मैंने खाना भी नहीं खाया, शाम को मुझे दिक्कत हो रही थी तो अभी चाय पी है, और कल मुझे समझ में नहीं आ रहा अब कल क्या बनाऊंगी, बहुत बताओ ज्यादा मुझे कैसे दिक्कत रखना हो रही है। आलू रखे और बताऊंगी थोड़ी देर में क्या क्या रखा है, तो हैदर बढ़िया। मेन्यू मेन्यू हैदर मेन्यू बताएंगे कि क्या बनाना है कल। हाँ मेरा भी मन कर रहा है आलू का भरता खाने का, और मेरा तो मन कर रहा है मशरूम पनीर खाने का, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, वो है कि स्माइल है स्माइल जो है कि आप देख सकते हो कहाँ हो है। हाँ इस बार वैसे ही बनाऊंगी जैसा कि मैंने पिछली बार बनाया था, काजू डाल के जूसी मशरूम पनीर। अच्छा तो न्यूज़ टाइम देखूंगी कोई, ठीक है आप मेरे कुछ और बना दूंगी ना। अच्छा आपका फेवरेट है, सॉरी मुझे ठीक है बना दूंगी जैसा भी हो। तो मशरूम जो है को पसंद, मैं मशरूम रखे हैं घर में, मैं आप लोग पूरा बताने लगे कि मैं ये बनाऊं, मेरा मन कर रहा है मशरूम खाने का, और जो पापा जब सब्जी लेने जाएंगे तो फिर मैं मंगाऊंगी मशरूम पनीर बनाऊंगी। इसके अलावा मेरा मन कर रहा है व्हाइट चिकन कोरमा, कितना यमी, वो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। आप खा रही थी, देखिए कैसे कैसे बता रहे हैं, राइस बचे हैं तो कल मैं बनाऊंगी राइस, चाइनीज राइस खाओगे, चाइनीज राइस से ज्यादा है पापा से कहते हैं वो लिया ना मैगी मसाला क्या ना, हाँ कह दो पापा मैगी मसाला लेते आना, वो मुझे अभी भी याद आ गया, तो अब इनको खाना है बटर चिकन, तो मैगी मसाला मैं मंगा रही हूँ क्योंकि वहां लगाया मोबाइल चार्जिंग पे, चार्जिंग से हटा देना फिर लगाना, तो कल मैं बनाऊंगी सुबह चाइनीज राइस, जैसा कि चावल बच गए दाल चावल बनाए थे तो वो चाइनीज राइस बनेंगे। उसके अलावा खाने का भी सोचा नहीं है, जो भी होगा देखूंगी और बना लूंगी। हैदर जी कॉल करने लगे पापा को, पापा मैगी मसाला ले आए, हेलो।
और अब वो बारिश रुकी, बारिश रुकने से नहीं हवा रुकी है, तो गर्मी से लगी थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि बस पूछिए मत, पंखा खोलने की जरूरत ही नहीं हुई थी यहाँ वाला, और मैंने खुलवाया था, और अब वो हवा बंद हो गई तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो गाइस आज तो मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आज की वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय 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 बाय, जो अभी कर रही, बाय बाय। तो गाइस बाय बाय।